भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर हर कोई जानना चाहता है कि उनकी हालत अब कैसी है, अब उनकी हालत में आखिर कितना सुधार है। तो बता दें कि उनकी हालत में पहले से अब सुधार है और ऋषभ पंत पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो वहीं हादसे के वक्त ऋषभ पंत को बचाने के लिए सबसे पहले बस ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत पहुंचे थे, जिनको लेकर अब बड़ी खबर यह है कि इन दोनों को सम्मानित किया गया है। इन दोनों ने अच्छा काम किया है जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि 30 सितंबर तड़के जब रुड़की के पास ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था, तब वहां सबसे पहले बस ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत पहुंचे थे। उन्होंने ही ऋषभ पंत को बचाया और एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा, जिस वजह से ऋषभ पंत जल्दी अस्पताल पहुंच पाए। उनके सराहनीय काम के लिए इन दोनों लोगों को बड़ा इनाम मिला है। सुशील कुमार और परमजीत को पानीपत डिपो की तरफ से सम्मानित किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी ऐलान किया है कि वह भी दोनों लोगों को सम्मानित करेगी। सरकार ने कहा है कि दोनों ने मानवता के लिए सराहनीय काम किया है, उनका सम्मान जरूर होना चाहिए। बताया जा रहा है कि पानीपत डिपो के जनरल मैनेजर कुलदीप झांगरा ने दोनों को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि सुशील और परमजीत ने एक घायल व्यक्ति को बचाकर अच्छा काम किया है। इंसानियत के नाते ये अच्छा काम है जो सबको करना चाहिए। तब तक उनको भी नहीं पता था कि ये क्रिकेट स्टार ऋषभ पंत है, उन्हें इस बात का पता बाद में चला। हमें इन पर गर्व है। उत्तराखंड सरकार ने भी ऐलान किया है कि वह भी दोनों लोगों को सम्मानित करेगी। जैसा सुशील और परमजीत ने काम किया है, ऐसा अगर मौका पड़े तो हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। इस बारे में बस कंडक्टर परमजीत का कहना है कि जैसे ही हमने उसे बाहर निकाला तो उसके महज 5 या 7 सेकंड के बाद ही कार में आग लग गई और वो जलकर खाक हो गई। उनकी पीठ पर काफी चोटें आई थीं, जिसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि आखिर वह कौन है, तब उन्होंने बताया कि वो क्रिकेटर ऋषभ पंत है। इस बयान से साफ हो गया कि यदि 5-7 सेकंड की देरी होती तो कुछ भी अनहोनी की आशंका थी। अगर वक्त पे ये दोनों नहीं आते तो शायद कोई बड़ा हादसा और हो सकता था। जाहिर है कि ऋषभ पंत का ये एक्सीडेंट रोड़की के पास गुरुकुल नारसन एरिया में हुआ था। पंत खुद ही कार चला रहे थे। हादसे के बाद ऋषभ पंत ने बताया था कि ड्राइविंग के दौरान उन्हें नींद की झपकी आ गई, कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हो गया। वह विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर आए, इसके बाद कार में जोरदार आग लग गई। फिलहाल ऋषभ पंत देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया है। सबसे ज्यादा चोटें उन्हें सिर और पैर में आई हैं, इसी के चलते उनके ब्रेन और स्पाइन का MRI स्कैन भी कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट सामने आई है। बता दें कि रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन अभी भी कई टेस्ट बाकी हैं। ऋषभ पंत को बहुत दर्द हो रहा है, जिसके चलते कुछ टेस्ट बाद में होंगे। फिलहाल वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, उनकी फैमिली उनके साथ है। और तमाम फैंस के लिए बता दें कि उनकी रिपोर्ट फिलहाल नॉर्मल आई है और वो पहले से अभी ठीक हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।